गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कोमल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो आप सबको पता होगा ऐसा बहुत सारा पारंपरिक नियम है तो जिसके हिसाब से माना जाता है। जैसे बंगाली लोग का भी आज से ऐसे माना जाता है, वो लोग का एक मतलब पूजा होता है तो उसके बाद से न्यू ईयर माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे जिनका नियम होता है वैसे माना। ऐसे तो कैलेंडर से हम लोग मानते हैं जनवरी से ही न्यू ईयर, तो ये हमारा पारंपरिक न्यू ईयर है। तो उसके लिए आप सबको, जिन लोगों का भी होता है उन लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं भी रेडी हो गई हूँ, मतलब फ्रेश व्रेश होकर के। एंड मम्मी गई है मार्केट, तो मम्मी अभी आएगी। हम मम्मी गई है घड़ा लेने, हमारा भी एक पूजा होता है तो मैं भी आप सबको वो दिखाऊंगी। मम्मी जब आएगी घड़ा लेके तो उसके बाद उसमें मतलब कुछ पूजा होता है, कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। मम्मी आएगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी जब मम्मी भी पूजा करेंगी ना उसका, जो भी होता है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए, टाइम हो गया। मम्मी अब आएंगी, मार्केट गई हुई है मम्मी। और बहुत गर्मी है, मतलब लगता ही नहीं है नहाने के बाद भी कि मतलब नहा वहा के हम लोग रेडी हैं। तो बस मम्मी अब आ जाएंगी तो फिर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे भी बहुत सारा आजकल काम पड़ जाता है कि मैं वीडियोस भी नहीं ज़्यादा बना पाती, लेकिन फिर भी सोची कि ये भी बना लेती हूँ थोड़ा। और वैसे वैशाखी वाला वीडियो जो मतलब कल मैं गई हुई थी गुरुद्वारा अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वो अभी जस्ट मैं डालने वाली हूँ। उसका वीडियो मैं अभी जस्ट अपलोड कर रही हूँ, तो आप सब देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड ना अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है, मैं मम्मी आती हूँ तो फिर मैं पूजा का जो होता है सब कुछ प्रोसेस वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए। मम्मी आ गई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ मम्मी को। मम्मी आ गई मटका लेके। ये है मटका, धूप के कारण। मम्मी दिखाओ कितना अच्छा लग रहा है। और क्या क्या है इसमें लेके आई है? ये गब्बू भी आ गया मम्मी से मिलने। कितना था मार्केट में, भीड़ है क्या? भीड़ बहुत, धूप बहुत, गर्मी। तो मम्मी आ गई है अभी घड़ा लेके। वो घड़ा है, उसको हम तब से मटका मटका बोल रहे थे। तो अभी आ गई है मम्मी, तो अभी पूजा स्टार्ट होगा। तो मतलब वैसा पूजा बहुत तो नहीं होता, बस थोड़ा सा कुछ नियम होता है, मतलब जो मम्मी वो करेगी तो मैं भी आपको दिखाऊँगी। और वो घड़ा में मतलब वैसा मतलब जो होता है, बस पूजा करेगी, फिर पूजा करके फिर उसमें पानी डाल के रख देगी। और फिर उसका ओरिजिनल ठंडा पानी ऐसे तो अच्छा रहेगा, हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चिल्ड पीने का मन करता है। तो मम्मी यहाँ स्टार्ट कर दी पूजा, एंड हम गर्मी से अजीब एकदम दिख रहा है मेरा मुँह।
तो अभी मम्मी लेके आई थी मार्केट से लस्सी, तो थोड़ा उसको पी लेते हैं। लस्सी मिल आई ना, तो बहुत गर्मी है, मार्केट में बहुत अच्छा टेस्टी लस्सी मिलता है, मार्केट वाला लस्सी। हाँ यहाँ का फेमस है, मतलब गर्मी का टाइम में मिलता है, और केंदुआ बाज़ार का, लेकिन हाँ केंदुआ बाज़ार का फेमस लस्सी है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पीने के लिए, मम्मी बता रही है। वैसे हम लोग घर पे कितना भी अच्छा चीज़ से बना लें, मतलब हमको हमको तो मतलब इस उतना पसंद नहीं है घर का, लेकिन जो वो मार्केट वाला जो, तो उसका अलग ही बात रहता है। पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते ना हम, और वही सेम चीज़ हम लोग भी डालते हैं, लेकिन उस तरह का क्यों नहीं टेस्ट आता है। कुछ भी डाल लें लेकिन उतना नहीं आता। अभी दिखाते हैं लस्सी पीते हैं। अभी मम्मी बैठी हुई है लस्सी निकालने के लिए, और ये गब्बू लस्सी पीने के लिए बैठा हुआ है ना। बाबू लस्सी पिएगा, आइसक्रीम आया है, बाबू मिल्क शेक पिएगा, मिले सोना वे टू मिल्क शेक पिएगा, आइसक्रीम खाने खिलाने के लिए। गब्बू को भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसको आइसक्रीम खिलाने, तो पापा इसके लिए भी मिल्क शेक लाए हैं। अभी यहाँ पे लस्सी मम्मी डाल रही है। ये चेस, ये रहा लस्सी, भैया पी रहे हैं, और ये गब्बू भी, ये मुंह बनाते हुए गब्बू पीना है। गब्बू गब्बू को भी दे देंगे, और मम्मी अभी खीरा खाने जा रही है। मम्मी अभी खीरा खाएगी और गब्बू मेरा लस्सी पिएगा, मिल्क शेक इसका लेते हैं ना। यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे तो बहुत ही पसंद है मार्केट का लस्सी। एंड मेरा गब्बू भी पी रहा है अभी, तो मैं पीऊँ, गब्बू भी बहुत पसंद है ना गब्बू, लस्सी पिएगा ना मेरा गब्बू। ओके फ्रेश, अब एक मिनट, गब्बू भी मतलब कुछ दिन से ये खा नहीं रहता, तीन मतलब चार पांच दिन से गब्बू भी खाना भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं, तीनों टाइम नहीं खा रहा था। फिर दिखवाने के बाद डॉक्टर भी बोले हैं कि अभी गब्बू को देने के लिए आइसक्रीम ना, दवा भी, दवा भी है, बट इसको मिलेगा अभी इसको और पीना भी, तो ठीक है पहले पी लेते हैं। ओके फ्रेश, अब पूजा हो गया कंप्लीट है, उसमें पानी डाल दिया, अब हमें गड़े का ही पानी मतलब पिएगी। मम्मी ही नहीं, सबको ही पी सकते घर में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मम्मी ही नहीं मतलब सबको ही पी सकता है गड़े का पानी, और बस हो गया। मम्मी बोला, तो बहुत गर्मी धूप था मार्केट में ना, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अभी पूजा करने से क्या होता है, क्या होता है, नया साल में हम लोग नया घड़ा बदलते हैं, घड़ा को ला करके उसमें पानी डालते हैं और वही पीते हैं गर्मी में। जबकि फ्रिज है, फ्रिज का पानी, ये लाल फ्रिज है क्या बात है। तो ये लाल, क्या बोली, लाल फ्रिज मतलब ओरिजिनल, और मटका घड़ा जो भी बोलते हैं मतलब अच्छा लगता है। गब्बू प्रसाद खा लिया, अभी गब्बू आ रहा है, नाटक करता है कैमरा के सामने, जल्दी आता ही नहीं। तो ठीक है, फिर मैं मतलब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।